हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज वीडियो रे आमे माने मोर कर प्रमिशन अनुसार फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग रो आज आमे पार्ट टू पढ़िबा एवं एथरे आमे पढ़िबा इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। तो इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग को मते दुटा पार्ट करिबा, कारण गोटे पार्ट रे सब जगह को कवर करिबा संभव नहि। तो आपण गोटे रिक्वेस्ट, जेतेबेले आपण मोर चैनल को विजिट करुछन्ते सेतेबेले प्लेलिस्ट को जानु, प्लेलिस्ट अनुसार आपण रिक्वायर्ड प्लेलिस्ट रु ही आपण वीडियो देखंतु। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। बैंकिंग विषय आम ये प्रथम इंट्रोड्यूस हवा जो बैंकिंग कौन एवं केमी इंट्रोड्यूस है, कहीं इंट्रोड्यूस है, केमी से कम करुच्चे। तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर एशियन नेशंस। यहाँ कौन हो ना, आम बैंकिंग सिस्टमटा अदर एशियन नेशन ठारु अलग सिस्टम। कहीं अलग ना, बिकज ऑफ दि कंट्रीज यूनिक जियोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यार कौन है ना, अलग प्रकार यार जियोग्राफिक बा भौगोलिक अवस्थित एवं सोशल सामाजिक एवं इकोनॉमिक आर्थिक परिस्थिति एवं यार जो गठन प्रणाली आम अलग अन्य देश तुलन में, तेणु यार बैंकिंग सिस्टम अन्य देश तुलन में अलग है। इंडिया हाज ए लार्ज पॉपुलेशन, एठार बहुत लोक अच्छा एंड लैंड साइज, लैंड साइज बहुत बड़। ए डाइवर्स कल्चर, विभिन्न प्रकार कल्चर लोक ये अच्छा। एंड एक्सट्रीम डिस्पैरिटीज इन इनकम, इनकम सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग एवं इनकम अनुसार से परिस्थिति व स्टैंडर्ड भिन्न भिन्न। व्हिच आर मार्क्ड एमंग इट्स रीजन्स, ये जो जाति प्रजाति अच्छा लोक मैंने जो अच्छा से देखने ही जना पड़ जाए से इनकम सोर्स अलग 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 एवं से स्थिति अलग अलग। देर आर हाई लेवल्स ऑफ इलिटरेसी एमंग ए लार्ज परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यार जो पॉपुलेशन अच्छी एथेरे मैक्सिमम लोक इलिटरेट बा अशिक्षित अटंती। बट एट द सेम टाइम द कंट्री हैज ए लार्ज रिजर्वर ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस टैलेंट्स। माने एठी जदि बा इलिटरेट अच्छा तथापि मैनेजरियल कैंडिडेट्स मैनेजरियल पर्सनस हु कैन मैनेज दि टास्क इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस वेरी वेल एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस टैलेंट्स। एठार टेक्नोलॉजी भल अच्छी आम मैंने साधारण कहीपर जुगाड़ पर्सन ये आम बहुत अच्छा। तो टेक्नोलॉजिकली टैलेंटेड पर्सनस एंड मैनेजरियली टैलेंटेड पर्सनस आर हियर। द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क कंबाइन्स सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक फीचर्स। तो आम देशर इकोनॉमिक पॉलिसीटा क्या बेस करके ही थाए ना सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक, आमर सोशियाली सामाजिक अवस्थिति बा परिस्थिति किभली एवं यार कैपिटल बा आमर स्थितिर बा आमर टंका आमर धनर परिमाप केते ता अनुसार आमर कौन है थाए ना जेकोसी पॉलिसी फीचराइज बा पिक्चराइज होता है बा फीचराइज होता है विथ ए हेवी बायस टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। आमर कौन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट रे अधिक आमको सुध मिली थाए। इंडिया हाज फॉलोड द पाथ ऑफ ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स रादर दैन द एक्सपोर्टेड ग्रोथ, माने ये ग्रोथ आग को जाऊँगी ना कि ग्रोथ है अच्छे बाटा उन्नतशील किंतु उन्नत नुहे। ऑफ अदर एशियन इकोनॉमीज विथ एम्फासिस ऑन सेल्फ रिलायंस थ्रू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दिस फीचर्स आर रिफ्लेक्टेड इन दि स्ट्रक्चर। यही फीचर बा गठन प्रणालीटा कौथर देखा जाए ना इन द स्ट्रक्चर, यार गठन प्रणाली ना साइज एवं डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। आम देश में जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर सब अच्छी तार गठन एवं गठन प्रणाली एवं अवस्थिति तथा तार कार्यकारिता देखने आम जापर जे आमर कौन बाम देशर अवस्थिति अनुसार आम बैंकिंग सिस्टमटार साइज एवं तार जो गठन प्रणाली की आम देखने जापर जे यार अवस्थिति यार केते उन्नत बा उन्नत नुहे। द बैंकिंग सिस्टम प्लांस पर्टिकुलरली कनसर्णिंग इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बा आमर जो रही बैंकिंग सिस्टमटा से कौन कर समान भाव में आम इकोनॉमिक सिस्टमटा को बांटापी ही बैलेंस्ड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ बामर इकोनॉमिक ग्रोथ टाक बालान्स करने एंड द रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज।
अर्थात जो प्राइवेट सेक्टर लोक मैंने अच्छा से मानकर मनोबली मनइच्छा कार्यक्रम को बदलवाई मध्यवित्त एवं गरीब श्रेणी लोक मान कि उन्नत करवा एवं अति प्राचुर्यपूर्ण लोक मान लोक मान कंट्रोल करवा से स्थिति से टाक केमी आणिकी इनभेस्ट करके अधिक सुध देले मध्य देशर अवस्थिति को सुदृढ़ करवा जो मैंने लोअर स्टैंडर्ड लोक अच्छा से मानू आमर टंका जोगेदे ताकि स्टैंडर्ड को केमी उन्नत करेंगे ये हूँ आम फाइनेंशियल सिस्टम उद्देश्य मूल नीति मोनोपोली कौटी कौटी हुए ना ट्रेड आउ इंडस्ट्री क्षेत्र में इन ऑर्डर फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री टू सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात ये बैंकिंग सिस्टम टा को इनक्लूड ना स्टेट पॉलिसी रे इनक्लूड बामर जो स्टेट रा पॉलिसी अच्छी आम देशर जो पॉलिसी अच्छी से आम बैंकिंग सिस्टम टी इनक्लूड होता है इट वाज सब्जेक्टेड टू वेरियस नेशनलाइजेशन स्कीम्स इन डिफरेंट फेजेस अर्थात विभिन्न प्रकार जातीय स्कीम गुड़िक ये कौन हो इंट्रोड्यूस विभिन्न फेज्रे अर्थात विभिन्न इयर रे इंट्रोड्यूस होता 1955 1969 मसीहा 1980 मसीहा ये विभिन्न प्रकार स्कीम इंट्रोड्यूस एज ए रिजल्ट बैंकिंग रिमेंड इंटरनेशनली आइसोलेटेड बिकज ऑफ प्री ऑक्युपेशंस विथ डोमेस्टिक प्रायोरिटीज अर्थात बैंकिंग सिस्टम टी ये आम देश में आग्रह सहित एक्सेप्ट हो पारी कारण यार डोमेस्टिक प्रायोरिटीज अर्थात ये समस्त को प्रायोरिटी दूसरी गोटे लोअर लेवल ठार हायर लेवल पर्यंत लोक मान बैंकिंग सिस्टम टा कौन कर साहय कर मे बी कौन बड़ इंस्टीट्यूशन जदि टंका नेसेसरी रोज तार सी भी नहीं पार्टी आमर बैंकिंग थ्रू इंटरेस्ट नहीं पार्टी मे भी सुध अधिका देवा पड़ी एवं बिना सुधर मध्य लोक मान स्थित को सुदृढ़ करने बैंक लोन दौरक परिस्थिति रे मध्यवित्त श्रेणी लोक मानू बा निडी लोक मानू निड अनुसार टंका बैंक जोगे देता है फल से समस्त द्वारा आदृत हो पारे एस्पेशली मैसिव ब्रांच एक्सपेंशन आमर कौन होमें जापर जे जदि बैंक बोली आम जान ना तथा तो बैंक आसला धीरे 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 यार ग्रोथटा कौन हो चलती ना आगक हो चलती यार ब्रांच बढ़ी बढ़ी चलती यहाँ तार चेर को लंबे लंबे चली एंड अट्रैक्टिंग पीपल टू दिस सिस्टम लोक अधिक अधिक लोक सिस्टम प्रति आग्रह कई पार्टी लोक मैंने लाभ पाँच फल होती लोक मैंने सिस्टम प्रति आग्रहित होती Moreover, the sector has been assigned the role of providing support to other economic sectors such as agriculture, small scale industries. अर्थात ए एबे जहां मु पूर्वर कहली ए बैंकिंग सिस्टम टा कहा को आकु हेल्प करूची ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो माने कि खूब स्वल्प धन विनियोग करके बा पूंजी विनियोग करके से मानकर कोनोसी छोटो मोटो कौन ना इंडस्ट्री तयारी करचंदी बा बड़ बड़ इंडस्ट्री मध्य करी टंका नीड हो जोटा कि बैंक दौर एवं एक्सपोर्ट्स एवं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्ट हो पार्टी कारण आम भारत हूँ गोटे कृषि प्रधान देश तो कृषि प्रधान देश में प्राय लोक फार्मर तो फार्मर मानक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अधिक उन्नत करवा अग्रसर करवा तार नुआ नुआ सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने जो धनर आवश्यकता पड़ता है सीटा बैंकिंग सिस्टम से सहयोग करें एवं एक्सपोर्ट्स एंड बैंकिंग एक्टिविटीज इन द डेवलप्ड कमर्शियल सेंटर्स अर्थात ए टंका को एक्सपोर्ट करके बा कौन सी धन को एक्सपोर्ट करने विनियोग करके देशर उन्नति साधन आम बैंकिंग सिस्टम करता से कौटी कौटे एक्सपोर्ट करुचे ना मेट्रो अर्बन एंड सेमी अर्बन सेंटर्स से प्रत्येक जगह को बालान्स करके टंका को इनभेस्ट करुचे एक्सपोर्ट करुचे।